त्योहारों का सीजन है और आने वाला है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार। और कोई भी त्योहार बिना मिठाई के तो बनता ही नहीं। भाई को घर पे ही मिठाई की दुकान पे मिलने वाले नारियल लड्डू बना के खिलाए जाएं। और मजेदार बात तो ये है कि इसको बनने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते और ये बहुत ही सॉफ्ट और रिच इन फ्लेवर बनते। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल आशिमास किचन को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की अपलोड आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो बनाते हैं नारियल लड्डू। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी। कोई मिठाई बने और उसमें घी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही घी हमारा गर्म होगा उसमें ऐड करेंगे 3 कप नारियल का बुरादा। आप सोच रहे होंगे कि घी हमने इतना कम क्यों डाला है ना? घी हमें ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नारियल में ऑलरेडी चिकनाई होती है। कढ़ाई को हम लो फ्लेम पे रखेंगे एंड नारियल का बुरादा को थोड़ा सा भून लेंगे। तो ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। मिल्क हम ऐड करते हैं जब हमारा नारियल हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है। जिस कप से हमने नारियल के बुरादे को नापा है उसी कप से हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी नापेंगे ताकि सभी चीजों का प्रोपोर्शन बना रहे और हमारे लड्डू कमाल के बने। इनको स्पैचुला से चलाते रहें जब तक नारियल सारा दूध सोख ना ले। जैसे ही नारियल की खुशबू आने लगे समझो हमारा बुरादा अच्छे से भुन गया। फ्लेम को भी मीडियम पे रखें, ज्यादा हाई ना करें। और एक चीज का ध्यान रखें कि नारियल के लड्डू बनाने के लिए सूखे नारियल का ही इस्तेमाल करना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो अगर नारियल कढ़ाई से लग गया तो कड़वा टेस्ट हो जाएगा और सभी लड्डुओं में थोड़ी सी स्मोकी स्मेल हो जाएगी। धीरे धीरे दूध हमारा एवेपोरेट हो जाएगा और नारियल अच्छे से पक जाएंगे। नारियल ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और मिक्सचर अब हमारा सूख रहा है। उसके बाद ऐड करेंगे उसी कप से जिससे हमने दूध डाला था 1 कप चीनी। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो 1/2 कप चीनी और डाल लें। आखिर मिठाई है तो मीठी तो होनी ही चाहिए। और वैसे भी सभी रेसिपीज में आप नमक, मीठा और तीखापन जैसा आप और आपकी फैमिली खाना पसंद करते हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए फ्लेम को आप मीडियम पे रख सकते हैं ताकि चीनी जल्दी से पिघल जाए। इनको पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। नारियल, दूध और चीनी की कंसिस्टेंसी काफी अच्छे से आ गई है। अब इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1 कप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी पास की शॉप से मावा लाके डालेंगे तो और भी अच्छा है। इससे लड्डू का टेस्ट और भी रिच हो जाता है। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप वरी ना करें, लड्डू आपके फिर भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये टेस्ट एनरिचमेंट के लिए है और इसको डालना ऑप्शनल है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। जब ये कढ़ाई की साइड छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि ये बनके तैयार है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को तब तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कि ये थोड़ा गुनगुना सा गर्म रह जाएगा। अब थोड़ा सा मिक्सचर हथेली पे लेके राउंड डाउन प्रेस करते हुए लेमन साइज की बॉल्स बनाएंगे। इनको हमें बहुत जेंटल हाथों से बनाना है, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना वरना बॉल्स टूट जाएंगे। और फिर हथेली में लेके लाइट टॉस करेंगे, इससे लड्डू की शेप राउंड हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इनको नारियल के सूखे बुरादे में घुमाएंगे एक ड्राई कोटिंग के लिए, इससे ये बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। लो, हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी लड्डुओं को भी बनाएंगे। हथेली पे लेंगे और इसको जेंटल हाथों से प्रेस करके राउंड शेप देंगे। कोई भी इन्हें देखकर ये नहीं कह पाएगा कि इन्हें आपने घर पे बनाया है क्योंकि इनका टेस्ट और लुक बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। सभी लड्डू हमारे बनके तैयार हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में पानी ला देने वाले लग रहे हैं। ये बहुत
बहुत ही डिलीशियस बने हैं और इनके अंदर बिल्कुल हलवाई के हाथों वाला स्वाद है। इन लड्डुओं को आप व्रत, पूजा या किसी भी त्योहार पे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आजकल के टाइम में शॉप्स में मिलने वाली मिलावट वाली मिठाई से दूर रह सकते हैं। आप इन नारियल के लड्डुओं को बनाने का ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर करें। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।